बेंगलुरु में शनिवार को 10वीं साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। इस अवार्ड इवेंट में सुपरस्टार यश, अल्लू अर्जुन, कमल हसन और विजय देवरकोंडा जैसे साउथ के स्टार्स ने शिरकत की। तो इस इवेंट में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने भी धमाकेदार एंट्री ली। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में अचानक पहुंचे रणवीर सिंह को उनके फैंस ने घेर लिया। इस भीड़ में रणवीर को एक थप्पड़ भी खाना पड़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। आपको बता दें, इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स इवेंट में अचानक रणवीर सिंह पहुंचे, जिसकी वजह से रेड कार्पेट पर काफी भीड़ लग गई। इस दौरान एक्टर्स के फैंस उनके साथ सेल्फी लेने के लिए एक्साइटेड नजर आए। रणवीर ने भी फैंस को निराश नहीं किया और इस भीड़ में फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाने लगे। लेकिन इस दौरान धक्का मुक्की के बीच रणवीर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया। दरअसल सेल्फी खिंचवाते समय रणवीर सिंह के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर लिया, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे थे। तभी उनके बॉडीगार्ड ने लोगों को दूर हटाने के लिए हाथ उठाया, तो वो हाथ रणवीर सिंह के चेहरे पर जा लगा। इसके बाद एक्टर अपना गाल पकड़ लेते हैं। थप्पड़ खाने के बाद रणवीर सिंह का रिएक्शन काफी अजीब भी दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए फनी रिएक्शन दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो क्या दोस्तों, इस रणवीर सिंह के इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।